ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ओके सो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग। तो गाइस ये जो ट्रेंडिंग देख रहे हो रील्स वो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं और लोगों का व्यूज़ तो मिलियन तक पहुंच रहे हैं। तो गाइस इस टाइप की रील्स आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो बस वन क्लिक में और एक ही क्लिक में और एक ही टेम्पलेट में आप लोग क्रिएट कर पाओगे। और आप लोग सभी लोग इस रील को इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ही देखे ही होंगे तो इसको क्रिएट करना इतना आसान है गाइज आप लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले गाइज आप लोग को VPN कनेक्ट कर लेना है, किसी भी VPN को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्बो VPN। सो गाइज इसको प्ले स्टोर में आप लोग फ्री मिल जाता है तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके तो कनेक्ट कर देने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लोग को कनेक्ट कर देने के बाद बैक चले जाना है और यहाँ से कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कैपकट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा तो कैपकट एप्लीकेशन आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा कैपकट एप्लीकेशन तो आप लोगों को मिल जाए करेगा। ओके सो उसके बाद आप लोगों को लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाए करेगा टेम्पलेट लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेम्पलेट के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से मैं टेम्पलेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके सो टेम्पलेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देने बाद आप लोगों को स्क्रीन में आ जाएगा टेम्पलेट का लिंक, उस पर लिखा होगा यूज्ड टेम्पलेट कैपकट, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर गाइज आप लोगों का जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा कैपकट में। ओके कैपकट में इस टाइप की लोडिंग स्क्रीन आएगी, फिर यूज टेम्पलेट लिखा हुआ आ जाएगा तो उसके ऊपर गाइज आप लोगों को क्लिक कर देना है। ओके सो अलाउ कर देंगे। सो यहाँ से अलाउ कर देने के बाद गाइज आप लोगों को फ़ोटो मिल जाए करेगा तो फोटो सेक्शन में आप लोगों को जाना है। तो यहाँ से आप लोगों का जो पसंदीदा फ़ोटो से उसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। ओके मैं अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप लोग भी अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके सो इस टाइप से सिलेक्ट कर देने के बाद प्रीव्यू ऑप्शन गाइज मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा। तो उसके बाद आप लोगों का जो स्क्रीन आ जाता है एडिटिंग होकर। ओके तो लोडिंग हो जाने के बाद आप लोगों को इंटरनेट गाइस यहीं पे स्ट्रांग होना चाहिए। ओके तो देख सकते हो हमारी वीडियो क्रिएट हो चुका है, अभी आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ओके एक्सपोर्ट का आइकन एक बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो विदाउट वाटरमार्क लिखा हुआ आ जाता है तो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। सो यहाँ से एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। ओके तो एक्सपोर्ट होने के बाद गाइज आप लोग को म्यूजिक ऐड करना है। तो गाइज आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर सर्च करके म्यूजिक ऐड कर सकते हो या फिर VN एडिटर में गाइज आप लोग म्यूजिक को स्टार्ट कर सकते हो। सो सिंपली यहाँ से मैं VN एडिटर को यूज़ कर लेता हूँ। सो उसी में हमारी न्यू प्रोजेक्ट में जाकर जो वीडियो हम लोगों ने अभी अभी एडिट किया उसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। फिर गाइज हम लोग म्यूजिक में जाएंगे तो म्यूजिक आइकन में क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे म्यूजिक को। तो मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर रखा हूँ तो आप लोगों को यहाँ से म्यूजिक आप लोगों को वायरल वीडियो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप सब वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, उस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ओके सो सिंपली यहाँ से ये वाला वॉल्यूम को ऑफ कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक चलना चाहिए। तो इसी टाइप से म्यूजिक के अकॉर्डिंग आप लोगों की ये वीडियो भी आने लग जाएगी। तो वीडियो गाइस कैसे लग रही है कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जो एनिमेशन वाला वीडियो है बहुत ही ऑसम लगती है, आप लोग भी क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम पर डालिएगा, बहुत ही वायरल जाने की चांस बढ़ जाती है। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे।